नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं खबर 100। लापता गंज और भाभी जी घर पर है सीरियल में घर घर तक अपनी पहुंच बनाने वाले रोहिताश गौड़ एक मंझे हुए कलाकार हैं। लापता गंज के मुकुंदी लाल हो या फिर भाभी जी घर पर है के मनमोहन तिवारी, दोनों ही किरदार में रोहिताश गौड़ ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों को हमेशा प्रभावित किया है। इसके साथ ही रोहिताश बॉलीवुड में पीके, मुन्ना भाई एमबीबीएस और पिंजर जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। हाल ही में रोहिताश गौड़ ने अपने भोपाल प्रवास के दौरान खबर 100 से खास बातचीत में अपने अभिनय के सफर को शेयर किया है। देखिए उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ मौजूद जाने माने अभिनेता रोहिताश गौड़, इस सीधे से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत करते हैं मध्यप्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका जो किरदार है मनमोहन तिवारी का, किस तरह आपको मिला, क्योंकि तक किरदार पहुंच चुका है? दरअसल जो इसके राइटर है मदन संतोषी, वो मेरे दिल्ली से दोस्त हैं और जब मैं सीरियल लिख रहे थे तभी उन्होंने मुझे ये हिंट दिया था कि ऐसा ही मैं एक कैरेक्टर डेवलप कर रहा हूँ जो जिसके कैरेक्टर ट्रेट्स जो उस तरह के हैं, तो और वो आपके ऊपर सूट करता है बहुत ज़्यादा, तो आपको ये करना होता है। तो लापता गंज सीरियल मेरा खत्म हुआ था तभी उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तो मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि एडल्ट किसी की कॉमेडी है या क्या है, बट मेरी वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया इस रोल ऑफ हीरो और इस उम्र में तुम्हें हीरो का रोल कौन देगा, तो अगर हीरो का रोल है तो आपको ग्रैब करना चाहिए। तो बस ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसी परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि ये रोल मेरे छोड़ दिया। नहीं, नेगेटिव तो नहीं होगी, लेकिन हाँ मुझे एज एन एक्टर कुछ अलग एक्सप्लोर करने के लिए जरूर मिला, क्योंकि इससे पहले मैं लापता गंज सीरियल कर रहा था जिसमें मेरी इमेज बहुत ऐसी हो गई थी कि कॉमन मैन है, शरीफ इंसान है, बहुत जो है कॉज के लिए लड़ता है, लेकिन ये अचानक पर्सनैलिटी से डिफरेंट रोल आया, तो एज एन एक्टर मेरी जो है इमेज ज्यादा बेहतर हुई है क्योंकि लोगों को मेरे दो पक्ष पता चले इसमें। रियल लाइफ से इंस्पायर तो नहीं है, लेकिन इस तरह के चरित्र पाए बहुत जाते हैं। जैसे मैं जिस शहर को बिलोंग करता हूँ वहां पर बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो कि मतलब इस तरह की प्रवृत्ति में आनंद लेते हैं, बहुत ऐसा नहीं कि वो वल्गर है, लेकिन उस तरह का मजा है उनको, मजा आता है इन चीजों को करने में, तो इस तरह के लोग जो बहुत पाए जाते हैं जिनको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है जगह जगह, तो मैंने उन्हीं के कैरेक्टर ट्रेट्स में से कुछ 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 चीजें चुराई हैं आप ये कहते हैं। और एक कैरेक्टर और है जिनके वो बहुत बड़े एक्टर है उत्पल दत्त साहब, उनकी भी मैंने कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स इसमें डाले, जैसे बात में की करना, तो ये कुछ चीजें हमने उनसे इंस्पायर्ड। आपने छोटे और बड़े पर्दे दोनों पे काम किया, लेकिन देखा है पिछले के बाद शायद दिखे नहीं बड़े पर्दे पे। एक्चुअली समय नहीं मिला, सिंपल सी बात है, टेलीविजन में आपको बहुत व्यस्त कर देता है, एक्चुअली लगभग रोज शूटिंग होती है। लापता गंज 5 साल चला, अब ये जो 7वें साल में प्रवेश कर गया, तो आप देख लीजिए कि 12 साल तो यही बीत गए, उससे पहले भी टीवी में लगातार काम चल रहा था, तो लगभग 15-20 साल में से ऐसे गुजरे हैं कि मुझे टीवी से फुर्सत ही नहीं मिली है, तो इस वजह से जो है मैं फिल्मों में बड़े रोल्स में दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब अगर भाभी जी घर पर खाना खास्ता कभी तो पट पर्दा डाउन होगा तो फिर हम बड़े बड़े उस वेब सीरीज में या फिल्मों में जरूर काम करेंगे और इंशाल्लाह मिलेगा। आपने काफी सारी फिल्में भी करी है, सीरियल भी काफी सारे करे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अजय देवगन ने मुझे लिया था अतिथि तुम कब जाओगे, हालांकि छोटा रोल था लेकिन वही देख कर लिया था उन्होंने। अश्वनी धीर डायरेक्ट कर रहे थे जो खुद लापता गंज के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, तो जो फिल्म वाले लोग थे उन्होंने भी उस सीरियल को बहुत सराहा, तो उस सीरियल से मुझे जरूर पहचान मिली, टीवी सर्कल में भी और फिल्म सर्कल में भी और एड सर्कल में भी। आप मजराव मध्य प्रदेश में आए, मजराव फैक्टर हो गया, क्या लगता है कि इस तरह के आयोजन से क्या फायदा मिलता है आर्ट एंड कल्चर को? इससे जो यंग टैलेंट है उसको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि आज का टैलेंट जो है विभिन्न माध्यमों से बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहा है, शॉर्ट शॉर्ट फिल्में भी बहुत बहुत अच्छी बन रही है, बहुत टैलेंटेड लोग आ गए हैं, क्योंकि अचानक उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, बहुत सारे ऐसे माध्यम क्रिएट हो गए हैं जिससे वो अपने खुद का चैनल खोलते हैं, खुद की फिल्में बनाते हैं, और अचानक कुछ कुछ फिल्में जो है इतना अच्छा कॉन्टेंट ले लेती है कि वो हिट हो जाती है दर्शकों के बीच, क्योंकि पहुँच आसान हो गई है। एक एक अगर मैं अभी वीडियो डालूंगा तो लाखों लोगों में पहुँच जाए,
तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो लोगों के बीच में पहुंच रही है, और ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स जहां पर अभी कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है फिल्म, आप आइए दिखाइए, तो ये बहुत अच्छी बात है जो शुरू हुई है। इससे अप्रोचेबल है, ये हर बच्चा जो अच्छा काम कर रहा है वो अप्रोच कर सकता है और अपने टैलेंट को दिखा सकता है। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। हमको तो पता ही नहीं था कि विदेशी सिनेमा या विदेशी थिएटर नाम की थी। पहली बात तो हमें रंगमंच में लगता ही नहीं था कि रंगमंच भी एक स्टडी है, रंगमंच में भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ये हमें पता ही नहीं था। ये तो एनएसडी में जाके पता चला कि थिएटर के भी मॉडर्न इंडियन ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, ये पूरे सब्जेक्ट्स हैं अपने आप में। कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, स्टेज सेटिंग, ये सारा कुछ, सीनिक डिजाइनिंग, ये सब तो ओनली बिकॉज ऑफ थिएटर ट्रेनिंग ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। चलते मैं अपने सभी फैंस से यही निवेदन करूंगा, खासकर उन लोगों से जो कि फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, एक्टिंग में आना चाहते हैं, कि वो अपने हुनर में इजाफा करें। अगर आप अपने हुनर में इजाफा करेंगे तो आपकी स्ट्रगल आसान होगी, क्योंकि आप कुछ नया करने की अगर ताकत रखेंगे तो वो नजरों में तुरंत आएगा, लेकिन वो कुछ अच्छा और मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस लाइन के लिए नहीं है, तो फिर इस लाइन में अनाधिकार प्रवेश ना करें, क्योंकि उससे आप भटक जाएंगे और आपको चढ़ाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद ना घर के रहेंगे ना काट के रहेंगे। तो इसीलिए Be professional, और अपने आप को professionally train करें आज के दौर में, क्योंकि बहुत competition है market और हिंदुस्तान में भरा पड़ा है। तो ये था अभिनेता रोहताज बोरा, जिन्होंने अपने का सफर अब समझा कि जल्दी मिलेंगे एक और celebrity के साथ, देख रही है खबर 100।